आज मैं सिंक्रोनोस्कोप के बारे में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन आपको मैं बताऊंगा कि सिंक्रोस्कोप कैसे वर्क करता है। तो सिंक्रोस्कोप एक डिवाइस है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये सिंक्रोस्कोप है। इट इज़ अ डिवाइस जो क्या करता है कि जब भी ऑल्टरनेटर सिंक्रोनाइज होगी, मींस जिसका वोल्टेज फ्रीक्वेंसी इक्वल होंगे, मींस ये पॉइंटर स्ट्रेट होगा, तो उसको हम तब स्विच को हम क्लोज कर सकते हैं। तो उस वक्त के लिए हम ये क्या यूज़ करते हैं, सिंक्रोस्कोप। मींस उसको अगर हम समझे तो ये जो सिंक्रोस्कोप है वो या तो क्लॉकवाइज भी घूम सकता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकता है। ओके, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है सिंक्रोस्कोप, अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर घूम रहा है, मींस ये कब होगा, जब मशीन स्लो होगी, मींस मशीन जो रन होती है, मींस रनिंग कंडीशन उसकी क्या होगी, स्लो होगी, तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा। और अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है, मींस इसका मतलब ये है कि मशीन फास्ट रन हो रही है। ओके, तो हमें कब इसको स्टॉप करना है, जब ये रोटेशन न इस तरफ न इस तरफ, इस तरफ अगर रोटेट हो रही है मींस मशीन फास्ट है, इस तरफ अगर रोटेट हो रही है तो ये मशीन स्लो रन हो रही है। अगर इसका पॉइंटर यहाँ पे आ गया तो इस वक्त के ऊपर इस स्विच को हमें क्लोज करना है, तब जाके ये सिंक्रो मोटर जो होगी, जो अल्टरनेटर होगा, मशीन होगा, ये सिंक्रोनाइज होगा। ओके, तो इसको कहते हैं सिंक्रोस्कोप।